हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भागे पार्ट दो बचपन में आए हुए कठिन शब्द और उनके अर्थ के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका श्रीमती कृष्णा सोबती जी हैं। आइए बच्चों, अब इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का अर्थ होता है जैतून का तेल। दूसरा शब्द है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का अर्थ होता है अरंडी का तेल। अरंडी एक तरह का बीज होता है। खुराक। खुराक का अर्थ होता है निश्चित मात्रा। छुटपन। छुटपन का अर्थ होता है बचपन। कमतर। कमतर का अर्थ होता है ज्यादा छोटा। हष्ट पुष्ट। हष्ट पुष्ट का अर्थ होता है तगड़ा तगड़ा या स्वस्थ। अटपटा। अटपटा का अर्थ होता है उटपटांग। उटपटांग मतलब जो देखने में थोड़ा डिफरेंट सा लगे, जो अच्छा ना लगे। आश्वासन। आश्वासन का मतलब होता है भरोसा। खींचना। खींचना का अर्थ होता है झुंझलाना। जैसे हम कभी कभी किसी किसी बात पर झुंझला जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, उसको कहते हैं खींचना। स्टॉक। स्टॉक का अर्थ होता है संग्रह। संग्रह करना या एकत्र करके रखना, इकट्ठा करके रखना। बुरकना। बुरकना का अर्थ होता है चूर्ण जैसी वस्तु को छिड़कना। बच्चों, जैसे हम सलाद यूज करते हैं, फल काट कर खाते हैं, तो उसके ऊपर हम कभी कभी स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक या चाट मसाला जैसी चीज़ को स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो जो हम स्प्रिंकल करते हैं उसको हम हिंदी में कहते हैं बुरकना। सहल। सहल को की हिंदी है आसान। सहल का मतलब होता है आसान। तो बच्चों, अब इन सारे शब्दों के अर्थ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उनको याद भी करेंगे। धन्यवाद।